में आपकी सहमति हो नाजरीन आज इस वक्त हम मौजूद हैं योहानाबाद में जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसीही बस्ती है और यहाँ पे हम खास एक मकसद के लिए आए हैं और वो मकसद जो है वो एक हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पे इस वक्त सेंट जॉन कैथोलिक चर्च जो है हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अंदर एक इबादत हो रही है जो कि खास करके मरहूम ईमानदारों की रूहों के लिए जो ईद है उसके ताल्लुक से यहाँ पे दुआ का जो है एहतमाम किया गया है और साथ ही साथ यहाँ से अभी जुलूस जो है वो निकलेगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से जो जुलूस निकलेगा वो जाएगा सीधा जो यहानाबाद का जो मेन कब्रस्तान है वहां पे जाएगा और आज सिर्फ ये जुलूस या ये जो ईद है यही मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता बल्कि मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि यहाबाद का जो मेन कब्रिस्तान है वहाँ पे जो सफाई सुथराई का जो काम है वो भी किस तौर तो से किया गया और ख़ास करके जो कब्रों की सफाई है वहाँ पे जो घास वगैरह थी जो दर वगैरह थे वो काटे गए और आज हम वहाँ पे भी जाएंगे और जुलूस की सूरत में वहाँ पे जाने के बाद मैं आपकी उन तमाम लोगों के साथ बातचीत करवाऊंगा जिन्होंने कब्रस्तान की सफाई में कब्रस्तान को जो है वो बेहतर बनाने में अपना रोल अदा किया और हम उनसे बात भी करेंगे तो आए नाजरीन हम चलते हैं एक तो ये जुलूस में और फिर उसके बाद हम मेन कब्रिस्तान में जाते हैं मलका रहम की माँ हमारी जिंदगी हमारी श्रीन हमारी अमीर तुझे सलाम हम हवार हाँ के जलावतन फरजान तेरे आगे चलाते हैं इन इनामसों की वादी में हम रोते हम आतम करते हुए तेरे सामने आकेंचते हैं पास तो है हमारी बकिला हमारी करपा अपनी पूरी रहम निगाह कर और हमारी जलावतनी के बाद हम कर रहम का मार्ग फलिया सुधिकल

सब बर सा तू ऐ रबी मेरा सब बर सा खुदाम का जिंदा पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है आए कलाम मुकदस में से हम सुनेंगे मुकदस योहाना की अंजील उसका सत्रह बाब, उसकी चौबीसवीं आयत से छब्बीसवीं आयत तक ऐ बाप मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हो। के मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से पेशतर ही मुझे प्यार किया ए आदिल बाप दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना है और इन्होंने भी जाना है कि तूने मुझे भेजा है और मैंने तेरा नाम इन पर ज़ाहिर किया है और ज़ाहिर करूँगा ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इनमें हो और मैं इनमें हूं पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उदाम की खास बरकत हो खुदा का शुक्र हो मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर पाकमा कैथलिक कलिसिया के साथ मिलकर आज के इस खूबसूरत त्यौहार को मनाते हुए खुदा ख़ुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम योहनाबाद के कब्रस्तान में आकर अपने मौसमों को अपने रिश्ता दारों को अपने अजीज़ोक को अपने वालदान को जो हमसे पहले इस दुनिया से रहलत कर गए हैं उनके लिए दुआ कर सकें आज हम इस कब्रस्तान में अपने उन सारे अजीज़ वकारब को याद करते हैं और उनकी रूहों की मकफ़रत के लिए खुदावंद खुदा से दुआ मांगते हैं क्योंकि आज की पाक तलावत में हमने सुना है कि खुदावंद यसूल मसीह फरमाते हैं कि अः बाप जितनों को तूने मुझे दिया है मैं उनमें से किसी एक को भी खोना नहीं चाहता और मैं अपना जलाल ज़ाहिर करता हूँ और खुदा ख़ुदा हम सब को ये तोफी कता फरमाए कि हम हमेशा अपने मरमूमिन को याद रखें और उनके लिए दुआ करें ये जितने लोग यहाँ पर जिनकी तदफीन हुई है जो दफन हैं इनका रिश्ता हमारे साथ बहुत ही अहम है हम सब इनकी बदौलत हैं आज जो कुछ भी हम हैं वो इनकी कुर्बानियों की वजह से हैं इनकी मेहनतों की वजह से हैं इनकी दुआओं की वजह से हैं और इनके प्यार की वजह से हैं जो उन्होंने हमें अता फरमाया है ताकि हम इनको ना भूलें बल्कि इनके लिए दुआ करें पाकमा कलिसिया हम सब को सिखाती है कल यकम नवंबर को हमने तमाम मुक़दसन को याद किया जिनमें जिनकी जिंदगीों में खुदांद का काम मुकम्मल हो चुका है नजात पा चुके हैं वो मुक़दसन खुदांद के हजूर हैं और आज हम उनके लिए दुआ करते हैं जो इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं जो तहारत के अमल में से गुजर रहे हैं जिनकी रूहें एराफ में हैं और वो तदीब हासिल करके पाक और साफ होने के बाद खुदांद के तख्ते जलाली के सामने सुरख होंगे और आज हमें इनकी इनकी दुआओं की जरूरत है इनके लिए दुआ हम करते हैं ताकि वो इस प्रोसेस में से जल्द अज़ जल्द गुजर कर पाक और साफ होकर खुदा के तख्ते जलाली के सामने सुरखरू हो सकें और फिर वो हमारे लिए दुआ कर सकें आज का दिन हम सब को भी दर्श देता है कि हमने इस दुनिया में फानी बदन रखते हैं हम सब मुसाफिर हैं हमारी जिंदगी के दिन गिने हुए हैं और हम सब ने एक दिन यहाँ पर आना है ताकि हम इस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें अपने अमाल को बेहतर बनाएं इस दुनिया में छोटे छोटे नेक काम करके नेक अमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और रूहानी ज़िंदगी में मजबूत हों ताकि हम खुदा के कुर्बत में रह सकें और खुदावंद के साथ रह सकें और खुदावंद की खुशी में रहते हुए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्शें खुदा आप सबको बरकत दे खुदा हमारी आज की सारी दुआओं को जो आज हमने अपने मरहूमिन के लिए की हैं खुदावंद खुदा अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और ख़ास तौर पर यौहनाबाद के सारे पैरिश के लिए जो इस कब्रस्तान में लोग दफन हुए हैं खुदाउन ख़ुदा की रूहों को अब दी आराम बख्शे और आज एक दफ़ा फिर मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक बहुत ही बहुत ही नेक काम शुरू किया है कि इस कब्रस्तान को ख़ूबसूरत बनाने का आजम किया है इरादा किया है ये जगह मुकद्दस है ये जगह पाक है और ये जगह खूबसूरत होनी चाहिए और ताकि हमारे जितने भी अजीज़ वकारब हैं वो वहाँ आराम से रहते हुए खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्शें हमने इसका तहिया कर लिया है और ये कब्रस्तान एक ख़ूबसूरत कब्रस्तान होगा जो लोग देखेंगे और लोग उस पर रश करेंगे कि वाकई ही योहनाबाद की कलिसिया एक जिंदा और जावेद कलिसिया है और हमेशा कब्रस्तानों की बेहतरी और सफाई और सुथराई से पता चलता है कि कलीसिया कितनी ईमानी जज्बे में सरशार है मजबूत है तो खुदा करे कि हमारी सारी उम्मीदें जो हम इस कब्रस्तान के लिए रखते हैं पूरी हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आप सब के साथ हो आपके साथ भी हो तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें आखिर से आराम में रहें ऐ खुदावंद हमेशा का आराम इन्हें बख्श और हमेशा का नूर इस पर चमके बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन फादर जी आज हम आपसे पूछना चाहते हैं एक तो कब्रिस्तान की सफाई के हवाले से अभी आपने बात की तो आप क्या सोचते हैं कि कब्रिस्तान की सफाई जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और ख़ास करके हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तौर से जो है वो निभाने की जरूरत ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम चर्चेस में जाकर अपनी अपनी डिनोमिनेशन के मुताबिक बपतिस्मा हासिल करते हैं और उस बपतिस्मे के साथ ही हम अपनी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और जब हम जिस जगह पर अपनी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं यीशु के नाम से वो ज़िंदगी शुरू होती है वो जगह बड़ी ख़ूबसूरत होती है वो जगह बड़ी पाक समझी जाती है उस जगह को हम बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं और ये जगह वो है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र का अख्ताम करते हैं कब्रस्तान में हम अपनी ज़िंदगी का अंजाम देखते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल तो जब हमारी जिंदगी का एंड जो है हम देखते हैं मेरी ज़िंदगी में मैंने जहाँ जहाँ पर भी देखा हमारे कब्रस्तानों की हालत बहुत ही खस्ता है बहुत ही नागुफ्ता बे है हम मसीही लोग जब किसी को भी दफन करने आते हैं तो बेशुमार प्लानिंग करते हैं अब ये हो जाएगा अब वो हो जाएगा और उस डेड बॉडी को दफन करने के बाद ही वो सारे प्लान जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो इतने खूबसूरत कब्रस्तान देखते हैं कि दिल करता है कि वहाँ पर रहा जाए और उनका निज़ाम देखकर उनकी बातें देखकर तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हम हमारे अंदर भी वो शौर पैदा होना चाहिए हमारे अंदर भी वो रूहानी जज्बे पैदा होने चाहिए और दूसरे ये इंतहाई नेकी का काम है कब्रस्तान की खिदमत करना कब्रों को बेहतर बनाना मुर्दों को दफन करना ये तोबिया की किताब के अंदर पा कलाम के अंदर है कि ये सबसे बड़ी नेकीी है और इस नेकी को हमने जारी और सारी रखना है और इस कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाना है बहुत शुक्रिया फादर जी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो यहानाबाद है ये एशिया की सबसे बड़ी मसीही बसी है और आज इस कब्रिस्तान की सफाई के हवाले से ये जो पैगाम है पूरी दुनिया में जा रहा है और खास करके मैं समझता हूँ कि नेशनल न्यूज नामा ने इस आवाज़ को उठाया उठाया एक डेढ़ माह पहले और यहाँ पे सफाई सुथराई का काम हो सका तो आप लोगों को आज जब यहाँ पे मौजूद हैं आप और मरहूम ईमानदारों के लिए यहाँ पे दुआ की जा रही है आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये जो मैसेज है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए किस तौर से जो है वो मुस्तफ होगा देखिए जी पूरी दुनिया तो ऑलरेडी बहुत ही बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है इतना नहीं है तो हम आपकी वसात से आपकी इस नेशनल न्यूज़ नामे की वसात से अपने योहनाबाद के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने कब्रस्तानों को बेहतर बनाएं, उनकी देखभाल करें जिस तरह हम ज़िंदगी में बेशुमार बहुत सारे काम करते हैं तो सिर्फ़ ये एहसास की बात है जब इंसान के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए तो फिर अजम पैदा होता है और अजम के सामने कोई चीज नहीं ठहरती तो आपकी वसात से और इस सारी टीम की वसात से देखो इन्होंने दिनों में दिनों में यह काम किया है तो अगर हम बेहतर तौर पर इसको जारी और सारी रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत हो सकता आ, तो है बहुत शुक्रिया सर आपका अब आप नए घरों में जाकर अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकते हैं हम सारी कृषि का फर्जी की तरफ से अपनी सारी पार्सल टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज अपने इस ईमान का इजहार किया है और इस ईमान की बदौलत आज वो कब्रिस्तान में आए हैं दूसरी शक्ल में मोमबत्ियों के साथ मोमबती जो कि ज़िंदगी और रोशनी की लामत है कि आज उन्होंने अपने इस ईमान को साबित किया है कि हम हमारा ईमान जिंदा है हम इस नसीब पर ईमान रखते हैं जिसने फरमाया जब वो सारी मान लागर से गाड़ी जाए तो भी वो जिंदा रहे तो सारी का की से, पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया और जितने भी लोगों ने यहाँ पर काम किया है उन सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी है। उनके घरों को खानदानों को उनके कारोबार उनके बच्चों को बरकत बरकर जी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योनाबाद के सबका चेयरमैन जनाब इश्तिया साहब और हम उनसे जानेंगे कि जो कब्रस्तान की जो प्रीवियस हालत थी वो क्या थी और आज जब यहाँ पे खास करके मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ की गई और फादर जी भी यहाँ पे आए तो हम उनसे जानेंगे कि अब वो क्या सोचते हैं कि हमारे कब्रिस्तान को इसी तरह से जो है वो नजर आना चाहिए या सिर्फ जब कोई ईद हो या कोई त्यौहार हो उसी वक्त सफाई करने की जरूरत है या हर वक्त हमें जो है अपने कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का, का काम करते रहना चाहिए बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज नामा हमेशा आपने जो हमारे बर्निंग पर बात की है तो आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जैसे आज फादर जी यहाँ पूरी कलिस्से के साथ आए और आप देखें कि अभी ये रात का अंधेरा है और अभी आपको ये कब्रस्तानों का जो हालात है वो नज़र आ रहा है कि जैसे अभी दिन चढ़ा हुआ है लोग यहाँ सुबह के टाइम डरते थे अपने प्यारों के पास आने से लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि आज कब्रस्तान ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि ये पूरा एक ग्राउंड की सूरत जैसे हम इसको अपना अपना सुबह की लाइट के साथ एंजॉय कर देखते हैं ऐसे ही अब रात के इस टाइम में यहाँ खड़े हैं तो ये बहुत अच्छा मैसेज है यौन के लिए और हमारे ख़ासकर मसीहों के लिए हमारे जितने भी पूरी दुनिया में मसीही हैं हम अपने कब्रस्तानों अपने प्यारों को ऐसे ही अपना ये उनके साथ अपना जो रवाबत है क्या कर सकते हैं कि हम उनकी जो याद है उनकी जो यादगिरी है हम उसको ऐसे अपने ये ऐसे हार्ट बटा बटा कर हर बंदा अपना फ़र्ज़ अदा करे हम अपने घर तो ख़ूबसूरत से खूबसूरत बनाते हैं लेकिन अपने कब्रस्तों का जो हाल होता है यहाँ देखिए आप जो जो नशा का माजिका बन जाती है लोग यहाँ नशे करते हैं और यहाँ जो अंतहाई जो यहाँ जो हमारे ख़ास कर यहाँ जो कुत्ते वगैरह हैं वो यहाँ आकर यहाँ वो गंदगी फैलाते हैं और ये हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है कि पाकिस्तान में ये तमाम कोबरों का उमूमन यही हाल होता है लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि आज हम यहाँ खड़े हैं तो हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये वाकई होनाबाद एक ऐसी कौम है कि जो अपने प्यारों के साथ ऐसे स्लोक के साथ पेश आ सकती है और हम यहाँ सब मिल कर हम अच्छा फील कर रहे हैं जी आ, सर हमने सुना है कि आपने कब्रिस्तान के जो मेन जो रास्ता है उसके लिए गेट भी दिया है इसके बारे में भी बताया मैंने क्या देना वो ज़ार हम एज ए मैं चेयरमैन था पहले भी छोटा कपड़ा आपको पता है गेट पहले भी लगवाया था इसी तरह हमने स्टील लाइट भी लगवाई थी अभी ये हमारे पास काफ़ी पुराना ये गेट गेट पड़ा हुआ है लेकिन हमने पहले प्लान करे थे कि इसको हम कैसे एडजस्ट करें तो रात कर भी डॉक्टर सदाकर साहब गए थे तो वो कह रहे थे ठीक है जैसे ये गेट पड़ा हुआ तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आपको पता यहाँ कि वो हमारा जो गेट है उसका इश्यू बढ़ सकता है कि हम किस तरफ लगाना है कैसे करना है तो ये डॉक्टर साहब ये राजा वाल्टर साहब भाई किस कोऑर्डिनेशन जैसे भी हम होगा वो हम कर लेंगे उसको एडजस्ट कैसे कहाँ हमने गेट को इसको एडजस्ट करना है जी तो बहुत शुक्रिया जनाब नेशनल न्यूज़न का और ख़ास कर ये हमारे राजा वाल्टर भाई इसी तरह आसफ़ भाई इसी तरह डॉक्टर सागर साहब गौरी साहब जैसे हमारे अमर जो कक्कू साहब कौंसलर साहब सब ने मिलकर यहाँ काम किया और आज ये हालात है कि हम यहां खड़े कर बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सर आपका जी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ आसफ जोजफ भाई मौजूद हैं और जिन्होंने इस कब्रस्तान की सफाई में बड़ा अहम जो है वो रोल अदा किया है और जब नेशनल न्यूज़नामा ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया था उस वक्त भी वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि बेशक मेरे पास कुछ भी ना हो बेशक मेरे साथ कोई ना खड़ा हो लेकिन मैं अपने कब्रस्तान की सफाई में जो अपना रोल है अपना जो किरदार है वो ज़रूर अदा करूंगा तो आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कब्रस्तान की हालत पहले से बहुत बेहतर है और हम आज फिर उनके साथ मौजूद हैं और वो नेशनल न्यूजनामा की स्क्रीन के सामने हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि कब्रस्तान की जो सफाई है उसको करने में जो मुश्किल पेश आई या जो उनका रोल था वो इसमें कैसा रहा सर सबसे पहले तो मैं नेशनल न्यूज़ नामक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ को ये जो बड़ा मेन मसला था इसको हाईलाइट किया और दूसरा सर मैं कुछ भी नहीं हूँ ना मैंने कुछ किया है सारा इज़्ज़त और जलाल सबसे पहले हमारे यहावा को है हमारे जात, जो हमारे ऐति पाहक है उसके बाद मैं राजा वाल्टर भाई का इसके साथ मैं डॉक्टर सुधाकर साहब का और जितनी भी हमारी टीम है आमर जुवेद कुकू कौंसर साहब इश्तियाक साहब अनिल बोबी साहब इन सब का मैं शुक्र गुज़ार हूँ इसी तरह जो हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं सब का शुक्रगुजार हूँ कि मिलकर हमने एक टीम की सूरत में काम किया है ना रात देखा है ना दिन देखा है लेकिन एक जो कमिटमेंट की थी जो वादा किया था खुदावन के फजल से उसे पूरा किया है और आगे भी करते रहेंगे ये नहीं कि ये काम हो गया है और हम रुक जाएंगे हम जितने भी हैं इधर मिल के काम करते रहेंगे और बस हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी बहुत शुक्रिया सर आपका जी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा वाल्टर साहब जो कि योहनाबाद की एक जानी मानी शख्सियत हैं और जब नेशनल न्यूजनामा ने जैसे मैंने पहले भी कहा जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया और कब्रिस्तान की हालत फर्क थी लेकिन उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने रोल को पूरा अदा करेंगे ताकि अपने मेन कब्रस्तान की जो सफाई है उसमें हिस्सा लें और यहाँ से जो गंदगी है उसको साफ़ करें तो आज खास करके यहाँ पे मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ की गई फादर जी भी आए और राजा वाल्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो कब्रस्तान की सफाई का जो काम है उनके लिए किस तरह से यादगार रहा जय यूदी लिया सर पहले नंबर पर मैं जो इस दर जितना भी आपने आज प्रोग्राम देखा या जितना भी ये नज़ारा देखा है यहाँ पे उसमें मैं मुबारकबाद आपको दूंगा क्योंकि आप वो शख्सियत थे आप वो चैनल थे जिसने यहाँ पे आके किसी चीज़ को हाईलाइट किया तो उस एक हाईलाइट होने के पीछे आप देखें कि इस डेढ़ एक माह के अंदर यहाँ पे बहुत कुछ चेंजिंग देखी हमने बहुत कुछ यहाँ पे मतलब नया देखा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला और उसमें मैं अपने खास अनिल भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा अपना आसिफ जोसुफ भाई का कि अनिल भाई जैसे ही ड्यूटी आज में इनके फ्री होते थे तो ये इनकी पहली कॉल ये आती थी कि जी राजा भाई कहाँ पे हैं तो खुदा के फजल से सिर्फ कपड़े पहन के यहाँ पे आके कुर्सियों नहीं बैठे हर उस जगह पे कदम डाला जहाँ पे लोग या ठेकेदार या मजदूर जो थे नहीं थे जा रहे आसिफ जोजो को मैं तौर पे बड़ा अप्रिशिएट करूंगा सर मैं वाकई शख्स को देखा बड़ा जुनूनी है पैशनेट है इस चीज में कि जब मैं आता था मेरे आते को जो रात को प्लान करते थे उससे कहीं ज्यादा आगे तक पहुंच जाता था तो किस्सा सर ये कि सर आपका बहुत शुक्रिया आपने जो स्टेप लिया वो आज देखें आपकी मुबारकबाद आपको देने का मकसद ये है कि आज यहाँ पे कलिसिया को आपने देखा लोगों की चहलकदमी देखी लोगों को यहाँ पे फूल पत्तियां कैंडल्स जलाते देखा आपने सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए सबके लिए ऑनर की बात है कि फादर साहब खुद आए हैं मुराद साहिबान साथ थे साथ थी और इसमें मैं कहता हूँ ये, ये ये आपकी जीत है और जो मेरी तरफ तो से मुबारकबाद है वो आपको दिली तौर पर है दिल्ली तौर पर मुझे खुद भी खुशी है कि जितना काम किया है आज हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमने सुखरू हुए और इसको खाली कब्रस्तान तक नहीं मैं अगला जो विजन है वो यही है कि जब तक अब इसको कब्रस्तान को पार की शक्त नहीं दे देंगे एक आ, बाग की गुलिस्तान की जब तक ये शक्ल नहीं होगी तब तक हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे नहीं, नहीं नहीं हटेंगे बेशक महीने बाद आए यहाँ पे दो महीने बाद आए लेकिन इसकी तरफ खास तोजह होगी और मैं समझता तो हूँ कि जिस दिन अब नेशनल न्यूज़ नामा यहाँ पे आके एक, नया मैसेज देगा कि कब्रस्त जो वो पार्क भी बन सकते हैं बच्चों के लिए फैमिलीज के लिए खेलने कूदने के लिए भी तो मैं समझूंगा नेशनल नामा एक्चुअल रिपोर्ट जो न्यूज, नेशनल नामा की डिलीवर हो चुकी है, है अनिल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जी मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ नेशनल न्यूजनामा का जिन्होंने आज से डेढ़ माह पहले यहाँ पर आके इस चीज को हाईलाइट किया की कब्रस्तान की हालत जो बहुत खस्ता है इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और जिन जो गंदगी थी वो देखने के लायक ना थी तो इस बात को जब हम न्यूज़ में सुना तो इसका अज़म किया कि हम जो है इसका इनिशिएटिव लेंगे और अपने योनाबाद में जो कब्रस्तान है हमारा मेन बड़ा और उसकी सफ़ाई सुथराई में अहम करदार अदा करेंगे इसमें राजा वाल्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ जिनके तावन से खसूसी तावन से जो है हम इस काम को सर अंजाम दे पाए हैं और बाकी तमाम टीम मेम्बर्स का जिन्होंने गाय गाये हमें गाइड किया और हमारे साथ जो है हमारे काम काज में मदद की उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ अमर भाई मौजूद हैं जो कि अलमरूफ कुकू भाई हैं और ये यहानाबाद के ऐसे शख्स हैं जो कि हर एक काम में आगे होते हैं और जैसे आपने पहले भी देखा जो कब्रिस्तान के हवाले से जो पहले दो प्रोग्राम किए गए उसमें आपने देखा कि आमर भाई जो हैं वो यहाँ पे काम करते हुए भी हमें नज़र आए हैं और आज वो यहाँ पे मौजूद हैं ख़ास करके इस बात के लिए आ, को बताने के लिए कि आज यहाँ पे फादर जी खुद आए और उन्होंने क्लिसिया के साथ मिलकर मरहूम ईमानदारों के लिए यहाँ पे आज दुआ की और क़ब्रस्तान का जो नक्शा है वो आज चेंज है तो कुकू भाई से हम ये भी जानेंगे कि, कि कुक् भाई आपने एक तो अपने रोल को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया और खास करके हम इस बात के लिए भी आपके मशहूर हैं कि जो कमिटमेंट आपने की वो आपने करके दिखाई और नेशनल न्यूज नामक का आज यहाँ पे कब्रस्तान में तीसरा प्रोग्राम है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे थैंक यू नेशनल न्यूज़ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये तीसरी दफ़ा यौना आबाद मसी जो मतहदा मसीही कब्रस्तान है उसमें प्रोग्राम मनक़द किया तो मैं इस बात के लिए आपका बहुत ही शक्र गुज़ार हूँ क्योंकि आप जब पहली दफ़ा आए थे तो आपको पता था कि यौनाबाद का ये कब्रस्तान जो है इसकी पोजीशन कैसी थी और किस तरह का माहौल बन गया था तो अचानक यहाँ पर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं वो कब्रस्तान के शुरू में उनका गा है करामत मसीह साहब उन्होंने चंद बुज़ुर्गों को भाइयों को इकट्ठा किया और कब्रस्तान की सफाई सुथराई शुरू कर दी जैसे ही दूसरे भाई थे राजा वाल्टर साहब उनको पता चला और भी जितने भी बंदे बन, आते रहे हैं मैं सारी टीमों के साथ मिलकर खा वो किसी चर्च से रिलेटेड हो, किसी भी जमात से रिलेटेड हो, मैंने तमाम भाइयों को साथ मुतहद होकर मिलकर इस काम को आज आखिरी दिन तक पाया तकमील तक पहुँचाया तक और आइंदा भी हम इस बात का पोर अजम रखते हैं कि हम हमेशा अपने यौनाबाद की सफ़ाई सुथराई और इसकी बेहतरी के लिए भरपूर तरीके से काम करते रहेंगे मैं एक बार फिर अपनी तमाम मसीही बरदरी को जो हमारे यौनाबाद के जो मुख्तलिफ जमातों से तलक रखते हैं जो सियासी लोग हैं समाजी लोग हैं उन सब भाइयों का शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से इस काम को मुकम्मल किया मैं स्पेशली डाक, डॉक्टर सदाकर साहब का और इनकी फैमिली का और नेशनल न्यूज़ की पूरी फैमिली का ख़ानदानों के लिए दुआ गो हूँ और बेलखसूस जो भाई मेरे साथ थे ये साथ मेरे खड़े हैं शजाद गेल साहब ये बड़ी ज़ुमेदारी से मुझे घर से बुला के फ़ोन करके और सारा ख्याल रखते हैं और मैं अपने इन तमाम मसीही ख़ानदानों के लिए हमेशा दुआ गो हूँ और स्पेशली शुक्र शुक्रिया अदा करता हूँ राजा वाल्टर का उनकी फैमिली का अपनी बहनों का भाइयों का कि आज जो उनकी फैमिली में मरहूम मरहूमिन की ईद के दिन इस त्यौहार को जिस तरह जोश खरोश से उन्होंने इबादत का ये सारा प्रोग्राम मनक़द किया और उनके छोटे बच्चों का जिस तरह उन्होंने फूलों का इंतज़ाम किया और ये सारे जो डान बास्को स्कूल के स्टूडेंट थे सर यूसफ थे सर आसफ़ भाई थे वो ब्राइट हॉरिज़न एकेडमी वाले लड़के थे मैं इन तमाम लोगों का तय दिल से मशहूर हूँ और वो जो दूसरी तरफ एक हमारे भाई हैं करामत मसीह के साथ जितने भी भाई हैं वो सारे उन लोगों का भी वहाँ पर आबद नवाब भी बैठा है बाकी तमाम लोग भी आते जाते हैं जो काम करते भी रहे हैं मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इन तमाम भाइयों को हमेशा खुदावंद के स्पुरद करता हूँ कि इसी तरह ये मिलकर अपने अदारों के साथ ऐसी जगहों का जिनका जहाँ पर जगह जगह पा कलाम लिखा हुआ है जिसका तकदस पमाल हो रहा था उसकी बेहतरी के लिए काम करते रहें शुक्रिया नेशनल न्यूज़ थैंक यू जी नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जेम्स अख्तर साहब और वो भी कब्रस्तान की सफाई के बारे में अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं तो हम उनसे जानेंगे कि वो कब्रस्तान की सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं आसमानी बाब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम सब को ये तफीक बख्शी हम सेहत तंदरुस्ती दी कि हम जो है योहनाबाद के कब्रस्तानों की सफाई कर सकें और इसके साथ ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकमा कैथल कलिसिया का जिन्होंने दो नवंबर जो है मखसूस किया है तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहों के लिए ताकि हम उनके जो वारसिन हैं हम उनके रूहों के लिए खुदांद से मिन्नत करें उनके गुनाहों की मगफ़रत के लिए दुआ करें कि खुदांद उनकी रूहों को आराम की जगह रखे बशरी कमजोरी के तहत हम सब कमजोर हैं हमसे खतए गलतिया गुनाह चाहते हुए ना चाहते हुए भी सरजद होती हैं तो हमारा आसमानी बाप हमें मसीस्सू के वसीला से हमारी खतएँ गलतिया गुनाह मुआफ फरमाता है और हमारा ये ईमान है कि जब हम इस जमीन के ऊपर हैं तो इंसान से खताएं गलती गुनाह सरजद होती हैं तो हमें ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए ये दो नवंबर मरहूम ईमानदारों की रूहों के आ, के दुआ के लिए भी है मगफरत के उनके लिए भी और इसके साथ साथ हम जो ज़मीन के ऊपर हैं चलते फिरते हैं हमारे लिए भी एक ये बहुत इसमें सबक पोशीदा है कि हम भी अपनी जिंदगियों को जो है वो अच्छी और नेक बनाएं खुदा के लायक बनाएँ ताकि प्यार हम इस दुनिया में रहते हुए इंसानियत की भलाई बेहतरी ख़िदमत के काम करें और ख़ुदा के अहकाम पर अमल करें और बाकी जो नौजवानों ने काम किया है वो काबिल तहसीन है मैं राजा वाल्टर साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और फादर अक्रम जवेद जो कि यौन के के पेरशप्रिस्ट हैं मैं उनका भी शुक्र हूँ कि उन्होंने जो है नौजवानों को हौसला दिया उन्होंने ये काम किया भाई सुदागर हमारे यहाँ खड़े हैं उनके लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं भाई करामत के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं और इसी तरीके से हमारे साथ है ये भाई आसफ़ है जो दिन रात जो है इनकी देखभाल करते हैं कब्र कब्रों की और इस तरीके से खुदांद उनको इस्तेमाल कर रहा है ये हर इंसान नहीं कर सकता हर इंसान अच्छे अच्छे घर में जा रहना चाहता है अच्छे इलाके में रहना चाहता है लेकिन ये अजीम ख़दमत दे रहा है जो यहाँ पर जो है इनकी देखभाल कर रहा है और मैं खुदावन से दुआगो हूँ कि खुदावन यहनाबाद के नौजवानों को और ज्यादा जो है हिम्मत ताकत दे ताकि वो अपने हकूक लेने के लिए भी जो है इजतमाही तौर पर जो है अपने अपने बाला में अवाल जेरी में जो है अपनी आवाज़ पहुँचाए और मतहद होकर एक ही जो है वो हमारा लीडर होना चाहिए और ताकि हम जो है वो उसके पीछे चलें ताकि हम जो अगर मुख्तलिफ़ लीडर हम बना देते हैं अपने अपने गली महल में तो वो फिर जो है वो कामयाब नहीं हो सकते वो देखें जो नौजवान अच्छे तरीके से काम करता है और उसके साथ उसके हम हाथ बने उसके बाज़ू बने उसकी ताकत बने ताकि वो जो है हम सब की आवाज़ जो है वो अच्छे तरीके से आगे पहुँचाए आने वाले दिनों में अलैक्शन का दौर दौरा होगा मैं नौजवानों के लिए दुआ हूँ कि खुदावंदाबाद से ऐसी कोई क़्यादत जो है वो सामने लेकर आए जिसको सारे नौजवान जो है योहनाबाद के योहनाबाद की कलिसिया जो है वो देखे कि ये नौजवान काम करने वाला है अगर ये बगैर किसी लालच के इतना काम करता रहा है तो फिर ये जब अवानों में पहुंचेंगे तो योहनाबाद की एक आवाज बनेंगे तो मैं एक बार फिर जो है वो शुक्रगुजार हूँ आप सब का आप सब ने बहुत अच्छा ये लाइट्स का इंतजाम किया ये सफाई बहुत अच्छी जो है वो की दरख्तों की जो है वो का, ए, कांट सट की है जिस एक नई लुक नजर आ रही है योहनाबाद के कब्रस्तानों की वो पुराना कब्रस्त और ये नया कब्रस्तान जो है ये भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये कब्रस्तान दिए हैं ताकि हम अपने जाओ खुदा में सो जाते हैं उनको इज्जत के साथ जो है यहां पर उनको सपुरद खा करें और इसके साथ ही जो है वो मैं आप सबसे अपील करता हूं जहां जिन तक भी मेरी आवाज पहुंचती है कि योहनाबाद एक बहुत बड़ी आबादी दिया एशिया की ये तकरीबन 30 चालीस हजार से भी अभाव हो गया ये आबादी तो इसलिए मिलकर जो है सोचना चाहिए कि इतनी सारी आबादी के लिए ये कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं हमें और कब्रिस्तान जो है वो जगह दरकार है और इसके लिए जो है मैं ये चाहूँगा कि सब मिलकर जो है वो कोशिश करें ताकि हमारे आने वाली नस्लें जो है इस तरीके से जो है ये एक जीना और मरना तो ज़िंदगी में साथ साथ है ठीक है तो अगर ये चीज़ें जो हमारे पास ये नहीं होगी तो हम चंद लम्हों के लिए सोचें कि जो हमारे खुदा में सो जाते हैं बुजुर्ग बच्चे औरतें मर्द हम कहाँ लेकर जाएंगे इसकी इंतहाई ज़रूरत है ये एक यौनाबाद की खास ज़रूरत है ताकि हमें कोई अच्छी और प्रॉपर जगह भी मिल सके मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने जो है ये मुझे वक्त दिया और मुझे सुना भी खुदा बरकत दे पाकिस्तान की कलिसिया को बरकत दे आलमगीर कलिसिया मौजूद हैं कब्रिस्तान की सफाई के बारे में अपने ख्याल का इजहार किस तरह से करते हैं जी, शुक्रिया नेशनल न्यूज नामे का जिन्होंने तो मौका दिया कि हम अपना ए, ख्याल का इजहार कर सकें और इस पर रोशनी डाल सकें ये जो हमारा यूनाबाद का क़ब्रस्तान है इधर कोई दिन में भी नहीं आता था लेकिन अब आप देखें कैमरे की नज़र आपको दिखाती होगी रात का तकरीबन आठ बजे का टाइम है पौने आठ बजे का तो हम इधर फिर रहे हैं बच्चे भी इधर फिर रहे हैं खुदा का शुक्र है सफाई है तो सारे फिर रहे हैं वरना पहले ऐसा नहीं था इधर बहुत बड़ी बड़ी घास थी बड़ी मेहनत की है लड़कों ने अमर जवेद कौंसलर साहब ने भाई ने करामत साहब ने आसिफ साहब ने राजा वाल्टर ने चौधरी यूनस काफ़ी लोग हैं कोई पंद्रह बीस लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है सुबह से आते थे बेचारे और बुज़ुर्ग भी इसमें हमारे बुजुर्गों का भी बहुत हाथ है तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है और आज ये देखें हमारी मेहनत रंग ले आई है सारे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें ये नहीं कि अब खत्म हो गया आज के बाद काम हम ऐसे ही करते रहेंगे और इस कब्रस्तान को साफ रखने की कोशिश करेंगे शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी नाजरीन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये युहानाबाद की वो सारी टीम है जो इस वक्त कब्रस्तान में मौजूद है और जिन्होंने आज अपने अपने ख्याल का इजहार किया और उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से कब्रस्तान की सफाई में जो मुश्किल पेश आई या वो लोग जिन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट की लेकिन नहीं पहुंचे लेकिन ये वो टीम है जो शुरू दिन से जब नेशनल न्यूजनामा ने पहला प्रोग्राम किया यहाँ पे इस मसले को हाईलाइट किया तो ये टीम उस वक्त भी मौजूद थी और ये टीम आज भी यहाँ पे मौजूद है और ये मैसेज नेशनल न्यूजनामा की स्क्रीन से मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप जो काम करें ये जानकर करें कि वो आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करते हैं और यहाँ पे सफाई का जो काम है वो आप खुदा की खिदमत समझ कर कर रहे हैं और मैं खास करके शुक्रगुजार गुजार हूँ राजा वाल्टर साहब का अमर कुकू साहब का शहजाद गिल साहब का असफ जोसफ का और साथ ही साथ जो इश्तिया जो चेयरमैन हैं उनका शुक्रगुजार हूँ इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कब्रस्तान की सफाई में अपना रोल अदा किया खास करके बिशब एयूब खावर साहब जो जिन्होंने यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम किया हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का डान बास्को के जो नौजवान हैं जिन्होंने यहां पे अपनी जो अपना जो रोल है अपना जो काम है यहां पे किया और कब्रिस्तान की सफाई सुथराई में उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो पेश पेश रहे और साथ ही साथ ब्राइट हॉरिजोन जो एकेडमी है उनके नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा और नौजवान होते हुए उन्होंने इस बात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की कि वाकई हमें अपने कब्रिस्तानों की सफाई में अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बुजुर्गों का जिन्होंने इन तमाम नौजवानों को मोटिवेट किया ताकि वो कब्रस्तान की सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना रोल अदा करें और मैं, मैं जैसे मैंने पहले ये कहा आपसे कि योहानाबाद एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है और यहां से जो मैसेज है वो पूरे पाकिस्तान में जाता है और खास करके बहुत सारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जो कि योहानाबाद के, के रहायशी हैं उन तक भी ये मैसेज आएगा कि योहानाबाद के, के रहायशी जो हैं वो सो नहीं रहे बल्कि वो जाग रहे हैं और खास करके वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और मैं एक मैसेज यहाँ पे आपको ये देना चाहता हूं कि जो यहाँ पे पानी का जो इंतजाम है कैसे हैं उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है कि वो यहां पे पानी का इंतजाम करेंगे और साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों से इल्तमास करता हूं कि बर मेहरबानी जब यहां पे अब सफाई की जा रही है तो अपने घरों का कूड़ा क्रिकेट यहां पे ना फेंके एक खास एक पैगाम है जो नेशनल न्यूजनामा आपको देना चाहता है कि आप इस जिम्मेदारी को समझें कि हम अपने घरों का कूड़ा जो है वो क्यों कब्रस्तानों में फेंक रहे हैं हम क्यों अपने अजीजों की कब्रों को आलुदा कर रहे हैं आपने पहले भी देखा कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े कितने ज्यादा थे यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने अजीज की जो है उनकी वफात में जा रहे हैं उनकी फौत फौतगी में जा रहे हैं उनकी जो है वो एया 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 उनकी तीमारदारी करने के लिए जा रहे हैं और वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो उनके वो एक हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि यहानाबाद के जो रहायशी हैं वो इतने लापरवाह हैं कि अपने घरों का जो कूड़ा है वो यहाँ पे फेंक रहे हैं हम क्या पैगाम दे रहे हैं बर मेहरबानी आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और इस पैगाम को आप अपनी ज़िंदगी में लें कि हमें अपने कब्रस्तानों की जो सफाई है उसको किस तरह से बेहतर बनाना है ये पैगाम सिर्फ़ यहानाबाद के लोगों तक नहीं जा रहा पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को देखें इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएँ और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि हमें अपने कब्रस्तानों की सफ़ाई को किस तरह से बेहतर बनाना है इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा मुझे और मेरे कैमरा मैन तारक प्यारो को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़